को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मदानी एक संकल्प यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में तमाम लोगों से वो मुखातिब हो रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में 9 अक्टूबर को बीजेपी की संकल्प यात्रा जमशेदपुर में पहुंचेगी, जहां तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, आगामी 9 अक्टूबर को बीजेपी की संकल्प यात्रा जमशेदपुर में होगी। बीजेपी की संकल्प यात्रा का 7वां चरण चल रहा है और ऐसे में बीजेपी अपने इस संकल्प के साथ निकली है कि आने वाले चुनाव में जनता का समर्थन उन्हें कहीं ना कहीं मिलेगा और इस बार उनकी फतह होगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव है। तो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष, एक बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधे पे मिली है और इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने और साथ साथ जनता को अपने साथ जोड़ने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो जनता कुछ नाराज था, उसकी नाराजगी का कारण क्या रहा, इन सभी मुद्दों को लेकर ये लोगों से मुलाकात करें, अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देते जा रहे हैं। हालांकि 9 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प यात्रा है वो बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर पहुंचेंगे, 4 विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में, जहां रघुवर दास जी और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, पिछली बार उस गढ़ में सेंधमाड़ी हुई थी और सरजुग राय ने उस विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र, वो भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां के विधायक है, तो कैसे इस गढ़ को तोड़े। साथ साथ जुगसराय विधानसभा क्षेत्र, जो 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले आसू के उम्मीदवार वहां से जीतते आ रहे थे रामचंद्र सहित, तो उस क्षेत्र में कैसे सेंधमारी करे। भाजपा पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ी थी जिसके कारण वहां पर हार हुई, तो इसको कैसे मैनेज करें यहां पे करेंगे। और साथ साथ और पोटका विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, जहां पे बीजेपी का गढ़ वो भी माना जाता रहा है और लगातार बीजेपी वहां से जीत रही थी, लेकिन पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार ने जीता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने गलती को दोबारा गलती ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी निकले हैं। और निश्चित तौर पे जब कल पहुंचेंगे तो जो तैयारी है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रघुवर दास खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। वही सांसद विद्युत वरण महतो की बात करें तो वो सभी जहां जहां जनसभा होना है सभी स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वही राजनगर में जनसभा होना है सरायकेला में, जिसको लेकर उसको लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणेश महाली 2 बार से यहां के प्रत्याशी रहे हैं, थोड़े अंतराल से उनकी हार हुई है, बार बार यानी 1500-2000 वोट से 1200 वोट से हार हुई है, तो कैसे उस वोट को हम समेटे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा और साथ साथ कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में अच्छा पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस रिजल्ट को दोहराए, क्योंकि इस बार जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जो आदितपुर का आता है, सरायकेला जिला आता है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार भी कांटे की टक्कर थी और इस बार भी होगा, तो कैसे यहां पर उसको मैनेज करें। तो तमाम ये मुद्दे हैं पूरे कोल्हान में, जो विधानसभा चुनाव में कोल्हान में भाजपा साफ हो गया था उसे वापस कैसे लाए, इन सभी मुद्दों को लेकर यहां पर जनसभा में चर्चा भी होगी और साथ साथ जनता को कैसे लुभाए, कौन कौन वादे होंगे, सब कुछ रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर पहुंच चुके हैं, निश्चित तौर पे अगर वो रहे तो वो भी जनसभा में शामिल होंगे। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जमशेदपुर में बीजेपी की संकल्प यात्रा 9 अक्टूबर को है और ऐसे में लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई है। रांची के आसपास आतंक का साया है, पीएलएफआई टीपीसी और माओवादी कर रहे हैं अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल, दबिश के बाद भी उग्रवादियों के पास 12 AK-47 नेपाल और चीन से उग्रवादी राज्य में बंगाल।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।